हाँ दोस्तों, माय नेम हिमांशु पांडे। एक बार फिर मैं आपके सामने गुणनखंड का वीडियो लेके आया हूँ। इस बार तीन घात के बहुपद का गुणनखंड देखेंगे हम लोग कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा। हमने एक मान लिया बहुपद लिया एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू, ये हमने बहुपद दिया। देखेंगे इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। इस बहुपद को हम नाम देते हैं पी एक्स। बहुपद का नाम दिया। इस बहुपद में हम एक वैल्यू पुट करेंगे देखेंगे कि एक्स की कौन सी वैल्यू रखने पर इस पूरे बहुपद का मान जीरो हो जा रहा है। तो हम मानेंगे कि माना एक्स इक्वल टू वन, मानते हैं एक्स इक्वल टू वन, ऐसे मानेंगे एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू, ऐसी वैल्यू रखती जाएंगे, देखेंगे कहां तक इसका मान जीरो आ रहा है। तो पहले चेक कर लेते हैं स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट में एक्स की वैल्यू वन मानते हैं, ये हो जाएगा पी वन, ये हो जाएगा वन क्यूब माइनस फोर ए वन स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू, एक्स नहीं इंटू वन, वन माइनस फोर प्लस फाइव माइनस टू, फाइव वन सिक्स और ये माइनस सिक्स यानी जीरो। एक्स की वैल्यू रोड वन रखने पर इस पूरे बहुपद का मान यानी इस पूरे पॉलिनोमियल का मान जीरो हो गया। हम कहेंगे अतः एक्स बराबर एक बहुपद यानी पॉलिनोमियल पी एक्स का एक गुणनखंड यानी फैक्टर होगा। एक मिला हमको, जैसा कि हम जानते हैं जितनी बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी जितनी बड़ा पावर होता है उतने गुणनखंड आते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि इसका सबसे बड़ा पावर थ्री है, यानी तीन गुणनखंड आएगा इसका। और ये पहला एक आया है एक्स माइनस वन इसका टू जीरो आया। इसके बाद देखेंगे स्टेप सेकेंड में, स्टेप सेकेंड में देखेंगे कि जो मेरा पहला गुणनखंड आया है उससे डिवाइड करेंगे दिए गए पॉलिनोमियल में। आया है एक्स माइनस वन, इससे डिवाइड करेंगे एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू में डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम में एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई माइनस वन में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज ये हो जाएगा प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू। फिर एक्स है यहाँ पे हमें जाना माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री एक्स से, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री एक्स से एक्स में, तो माइनस प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री एक्स, साइन चेंज ये कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ये माइनस है आपका, तो प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स टू एक्स माइनस टू। अब मेरे पास एक्स है, हमको चाहिए टू एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू से, ये हो जाएगा मेरा टू एक्स माइनस टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया जीरो। मतलब डिवाइड करने पर जो मेरा कोशियंट आया, जो भागफल आया, वह वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में जो मेरा कोशियंट आया हुआ है, जो भागफल आया,
पुनः गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का तरीका पहले से पता है आपको, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, x स्क्वायर कोफिशिएंट से तो 2 हो जाएगा, 2 कैसे 2 पार्ट में तोड़िए डिवाइड करिए कि मल्टीप्लाई करने पर 2 हो जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -3 हो जाए। तो देखेंगे हम यहां पर मिलेगा हमको x स्क्वायर -2x और -x +2, दोनों में से कॉमन कर लीजिए आप x, मिल जाएगा x -2, यहां से -1 कॉमन करेंगे तो ये मिल जाएगा x -2, दोनों में कॉमन x -2, यहां पर x -1, दो फैक्टर यहां पर मिल गया इस चीज का और एक फैक्टर यहां पर मिल गया, तो लिखेंगे लास्ट में, अतः बहुपद बोले तो क्या पॉलिनोमियल, पीएक्स का गुणनखंड पहले आया था एक्स माइनस वन, बाद में आया एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन होगा ऐसे। ऐसे हम तीन घात के बहुपद का गुणनखंड निकाल सकते हैं। प्रोसेस मेरा प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में क्लियर हो गया। ऐसे दिए गए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनको निकालते रहेंगे, कभी कभी घातें ज्यादा हो जाती है, 4 घात हो जाता है, ये प्रोसेस वहां पर भी अपनाएंगे आप, डिवाइड करेंगे फिर फैक्टर करेंगे, जितना आपका फैक्टर है वो लिख देंगे। आइए इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए बहुपद दिया हुआ आपको, पीएक्स मतलब पॉलिनोमियल एक्स का बहुपद है, क्वेश्चन लिखेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स क्यूब -23x स्क्वायर +142x -120, ये मान लीजिए दिया हुआ है पॉलिनोमियल आपको और पूछ रहा है कि इसका फैक्टर क्या होगा, क्योंकि बेसिक चीजें फैक्टर है, इसलिए मैं बार बार फैक्टर की तरफ फोर्स कर रहा हूँ कि फैक्टर जब आपको आ जाएंगी चीजें तो आगे नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए आपके लिए इजी रहेगा प्रोसेस, इसलिए मैं फैक्टर पे इतना प्रोसेस आपको फोर्स कर रहा हूँ। यहाँ पर आप वही चीज स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे, माना लेट एक्स इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन, x इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू टू, x इक्वल टू माइनस टू रखेंगे, ये वैल्यू जीरो जहां आ जाएगी वहीं पर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। पहले x इक्वल टू वन हम रख के देखते हैं, वन रखेंगे ये मिल जाएगा मेरा वन क्यूब -23 इंटू वन स्क्वायर +142 इंटू वन -120, ये है वन, वन का क्यूब वन -23 +142 -120 देखते हैं। तो ये चीजें हैं, आप जब सॉल्व करेंगे इसको प्लस में प्लस का तो 143 हो जाएगा और जब यह इसमें जाएगा तो बाय चांस ये चीजें सही आ जा रही है एक ही बार में, ठीक है जीरो, ये परेशान होना पड़ता। ये चीजें आप याद रखें, ये सिस्टम टू माइनस वन रखें तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई जीरो लिखेंगे, अतः एक्स इक्वल टू वन पे आया है जब वन इधर आ जाएगा लेकिन अतः एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो पॉलिनोमियल पीएक्स का एक फैक्टर है या फैक्टर होगा, क्योंकि एक तो चाहिए नहीं हमको, तीन चाहिए क्योंकि मेरी पावर कितने है 3 है डिग्री इसका। तो फिर स्टेप सेकेंड यहां अप्लाई करेंगे, स्टेप सेकेंड में वही जो मेरी वैल्यू आई है इसे डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल में, एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे एक्स क्यू -23x स्क्वायर +142x -120 में डिवाइड करेंगे तो देखिए हमें एक्स क्यू चाहिए और एक्स दिया हुआ है
मतलब हम x में मल्टीप्लाई कर लिए x स्क्वायर से, लिखेंगे x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको माइनस 22x स्क्वायर। ऐसे 22 इस साइन को भूल जाइए ऊपर वाले को, प्लस माइनस 1 में से 22 जाएगा तो बचेगा माइनस 22, 23 जाएगा वो, फिर प्लस 142x माइनस 120। अब हमें माइनस 22 चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है x, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 22 से और x स्क्वायर चाहिए, ये x है तो और मल्टीप्लाई करेंगे x से, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस 22 x स्क्वायर, 1 में होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस 22 x, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, प्लस ये माइनस में ये ऊपर वाला साइन कोई आवश्यकता नहीं है हमको, ये कट जाएगा माइनस 22 और प्लस 42 x, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0 2 1 120 x और माइनस 120। अब x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाए, तो x में हम 120 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा 120 प्लस 120, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120 x माइनस 120, साइन चेंज कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो यहां से स्टेप थर्ड लागू हो जाएगा, स्टेप थर्ड में जो कोशियंट आया है इसका सेक्टर करते हैं हम, तो कोशियंट है मेरा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120, फैक्टर करेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 120 आएगा, 120 को से 2 पॉइंट पर ऐड कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 22 आ जाए। तो इसका प्रोसेस पहले ही बता चुके, आप एलसीएम भी निकाल सकते हो नहीं तो जनरली है तो ठीक है, जनरली आपका आसान है 10 12 120, 10 और 12 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपको माइनस 22, मतलब लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, ऐसे काम ले लीजिए, x मिल जाएगा आपको x माइनस 12 माइनस 10 कॉमन लीजिए, x माइनस 12 दोनों में कॉमन x माइनस 12 x माइनस 10, दो फैक्टर यहां से मिला, एक फैक्टर यहां से मिला हुआ था, लिख सकते हैं अतः बहुपद px का गुणनखंड पहले था x माइनस 1, दो बाद में आया x माइनस 12 या x माइनस 10 होगा, ऐसे ऐसे हम ऐसे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं आप चीजें हैं। इसमें से एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि यहां पर आप फाइंड करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हम निकाल रहे हैं कि दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या क्या है, बहुपद का फैक्टर क्या क्या है, मान लीजिए फैक्टर पहले से दिया हो, फैक्टर पहले से दिया हो और आपसे किसी का मान, जैसे इसमें किसी में से क्या करेगा, किसी एक को x हटा करके a कर देगा a और कहेगा कि उसका मान निकालिए, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं कि यह क्वेश्चन कैसे लगता है जहां पर फैक्टर पहले से दिया हो और आपको पॉलीनोमियल में कहीं a डालेगा या b डालेगा, कोई सेकेंड वेरिएबल उसका आपको मान पूछ देगा, देखते हैं न्यूमेरिकल इसके लिए छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए दिया है क्वेश्चन आपको, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ
पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री, ये चीजें दिया हुआ और ऐसा पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए यहां पर ए डाल दिया और आपसे ए की वैल्यू पूछेगा, तो हमको पता है कि यदि यह इसका फैक्टर है, इस चीज से इसमें डिवाइड करने पर वैल्यू जीरो, रिमाइंडर जीरो आनी चाहिए। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं बोल दूं कि 4 इज द फैक्टर ऑफ 16, 4 इज द फैक्टर ऑफ 16, दिस मींस इसका मतलब यह है कि मैं 16 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। सेम ऐसे भी यहां पर यह इसका फैक्टर है, इसमें फैक्टर में पॉलिनोमियल में फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, रिमाइंडर की वैल्यू जीरो होनी चाहिए ही चाहिए। देखते हैं तो कैसे लगाते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन में इफ एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स दे, तब क्या होना चाहिए, एक्स की जगह पे देन रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, देन रिमाइंडर रिमाइंडर बोले तो सीएस फल, रिमाइंडर इज क्या होना चाहिए, जीरो जीरो होना चाहिए। तो फिर डिवाइड करें, तब तो डिवाइड कर लेते हैं, एक्स क्यू माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री में डिवाइड कर दें किससे, एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमको एक्स क्यू चाहिए, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर टाइप में जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर ए सब्जेक्ट प्लस कट जाएगा, यहां से चीजें मिलेंगी आपको एक्स स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अंदर की चीजें, या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दें दोनों में से एक चीज कॉमन है, ए एक्स यहां पर मिल जाएगा एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस थ्री, ये चीजें यहां लिखी हुई है, बस ए एक्स कॉमन कर लिया, हमें चाहिए ए एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस ए। अब मेरे पास है एक्स माइनस ए, मतलब किससे मल्टीप्लाई करें, हम ए एक्स से मल्टीप्लाई करें, ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा हमको ए एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस ए प्लस ठीक है बाकी चीजें ए रहेंगी, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये मेरा पीछे बच जाएगा एक्स प्लस थ्री। फिर एक्स है ठीक है, वन टाइम में जाएगा तो हो जाएगा, वन टाइम में ले जाएंगे चीजें मिलेंगी एक्स माइनस ए, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ही हो जाएगा प्लस बढ़ जाएगा ए प्लस थ्री, ए प्लस थ्री आया। अब बात यह है कि हमको रिमाइंडर क्या चाहिए था, जीरो लिखा हुआ, इफ एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स देन रिमाइंडर विल बी जीरो, यहां जीरो तो आया नहीं, हम क्या करेंगे रिमाइंडर की वैल्यू लिखेंगे
ए प्लस थ्री इसका टू लिखेंगे जीरो, भाई जीरो बराबर होना चाहिए जीरो, देन ए इसक्वल टू माइनस थ्री, यह वैल्यू आ गई भाई, ए की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तरीका और भी है, यह हम डिवीजन मेथड अप्लाई किए हैं, यदि हम एक और मेथड आता है उसे बोलते हैं शेषफल प्रमेय हिंदी में, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से लगाएंगे तो थोड़ा सा आसान मेथड है वो वाला, ये चूंकि हम इसलिए लगाए हैं कि इसमें आपका डिवीजन मेथड भी आ जाए, डिवीजन भी करना आ जाए और ऐसे भी आ जाए, तो चीज़ें हैं। आइए इसके ऊपर लगाते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम से, यदि रिमाइंडर थ्योरम लिखाएंगे तो लिखेंगे इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ इतना, देन देन पी ए इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम यह कहता है, यानी ये सी ऊपर क्या करते हैं हम ए, तो पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, पॉलीनोमियल लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री, ठीक है। यदि मैं इसमें पूरे एक्स की वैल्यू ए लिख दूं तो यहां पर पी ए स्क्वल टू एक्स क्यू, मतलब कि यहां पे हो जाना चाहिए ए क्यू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए प्लस थ्री, इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए जीरो, यदि x माइनस वन फैक्टर का पॉलीनोमियल पी एक्स का फैक्टर है तब पी ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे जीरो इक्वल टू ए क्यू माइनस ए क्यू, यहाँ जो पावर ऐड हो जाएगा आपस में प्लस ए प्लस थ्री, ये कट जाएगा, यहाँ पर मिला आपको जीरो इक्वल टू ए प्लस थ्री, या फिर कह सकते हैं ए इक्वल टू माइनस थ्री, यहां से भी हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से पॉलीनोमियल में यदि ए की वैल्यू पूछ रहा है फिर भी आप लगा सकते हैं, पॉलीनोमियल में गुणनखंड पूछ रहा है फिर भी आप लगा सकते हैं, ऐसे आप दिए गए आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसको ट्राई कीजिएगा लगाइएगा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले बार अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।